हेलो जनता लोग, और एक नया वीडियो लेके मैं फिर से आ गया हूँ। होप करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। बारिश के वजह से बहुत गुवाहाटी में भी बहुत जगह में पानी हुआ है और थोड़ा थोड़ा फ्लड जैसा शुरू हुआ है अभी लोअर असम में। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस बार फ्लड ना हो कहीं पे भी। यहाँ पे भी बहुत बारिश हुआ था हम लोग के। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो आता ही नहीं है, क्या हो गया, उसका जिंदा है कि नहीं, शायद सोच रहे होंगे आप लोग। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखा है उनको शायद पता है क्या प्लान हो रहा है अभी। और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है खुद कि मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं किया है और कैमरे के सामने बात नहीं किया, इसलिए मेरा थोड़ा फंबल हो रहा है। सब कुछ साइड में रखते हैं, मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग का जो है एक ट्रिप प्लान हो रहा है। जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखा है उनको पता होगा कि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। बाइक लेके हम लोग नहीं जाएंगे, पूरा नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेन बस, और वहाँ पे पैदल जाएंगे ऊपर। ऊपर तो पैदल ही जाना पड़ता है वैसे भी। और आने जाने का जो टिकट है ट्रेन का वो हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। मैं जा रहा हूँ परसों, आज है ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को मैं हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग का ट्रेन है कामाख्या से। टिकट विकेट सब कुछ हम लोग का हो गया है कंफर्म एकदम। तो मेरे साथ और एक बंदा जा रहा है, वो मेरे से छोटा है, वो मेरा भाई जैसा ही है, वो भी जा रहा है मेरे साथ। और दो बंदे जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो लोग 23 को सुबह जा रहे हैं फ्लाइट से। तो इस बार क्या होगा, नॉर्मल हम लोग पैदल जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे हम लोग बहुत। तो इसीलिए इस बार बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है। और अभी फिलहाल जाने वाला हूँ मैं डेकाथलॉन, क्योंकि मुझे एक रेनकोट चाहिए था। रेनकोट मेरे पास है नहीं और मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो हेलमेट है आप लोग देख सकते हैं, हेलमेट का मेरा जो वाइजर था ये टूट चुका है। और देखिए वेदर थोड़ा गुस्सा है, जैसे मेरे से वैसा टाइप है, काला काला थोड़ा तो अचानक बारिश हो सकता है, तो इसीलिए मोटो व्लॉगिंग लगा भी लेंगे तो बारिश हो गया फिर से खोलना पड़ेगा। ट्रिप पे जा रहा हूँ और जब तक वापस नहीं आऊँगा तब तक कोई व्लॉग नहीं आएगा, तो इसीलिए ये वाला व्लॉग मैं डालने वाला हूँ। तभी लोगों को भी पता लगेगा कि हाँ मैं केदारनाथ जा रहा हूँ जुलाई में। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से केदारनाथ वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे एकदम बिना टेंशन का। अभी ज़्यादा और नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट जाते हैं और डेकाथलॉन में मिलेंगे। अगर बीच में कुछ मिलता है तो दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट डेकाथलॉन में जाके मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो। तो हम लोग अभी आ गए हैं डेकाथलॉन, पीछे आप लोग देख सकते हैं। और मेरे साथ जो भाई जाएगा बोला था ये जाएगा। हेलो, आप लोग ने देखा है शायद डाउकी का व्लॉग में देखा है इसको। तो अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बारिश भी थोड़ा बहुत देना शुरू किया है, अंदर जाके देखते हैं। अभी रेनकोट तो मिल गया है, पैंट नहीं मिल रहा है, थोड़ा घूम के देखते हैं। अभी इसको फाइनल किया है, इसको लेता है या दूसरा कुछ देखता है, फिलहाल के लिए तो अभी इसको ही फाइनल किया है। ये भी ठीक ही है लेकिन मटेरियल बहुत ही ख़राब है। अभी ट्रायल चल रहा है। हर न फुटबॉल खेलते हुए न हब তুমি যে মালা মই জব খাব লাগবো নাকি এটা খালে তুমি এতে মই তাতে বলা
अभी यहाँ पे कुछ जगलिंग का कॉम्पिटिशन चल रहा है। अभी अभी हम लोग ने थोड़ा टेबल टेनिस भी खेला है। क्या ही करेंगे, वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी थोड़ा देखते हैं कितना जगलिंग कर सकता है भाई। यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा स्पोर्ट्स का सेक्शन है, ये सब स्केटिंग वाला शू, स्केटबोर्ड, फिर इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। তুমি বহুত কমফর্টেবল পো। সরি সরি সরি। বড়া বড়া। ইনডোর। এই 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 এই। কত মারি দিছে। হ্যালো। হ্যালো। तो भाई लोग अभी जो जगलिंग का कंपटीशन था वो खत्म हो गया है। ये भाई सिर्फ 18 बार कर पाए। हम लोग थोड़ा घूम घूम के चीज़ें देख के जा रहे हैं और मैंने ले लिया है ये वाला रेनकोट। कौन सा लिया है क्या लिया है आप लोग को घर में जाके पता चल जाएगा। अभी बिलिंग करना है, उसके बाद निकलना है। तो अभी हो गया है हम लोग का सब कुछ शॉपिंग। और तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं लेंगे क्योंकि देख सकते हैं आप लोग अंधेरा हो गया है पूरा। तो इसीलिए डायरेक्ट घर पे जाके मिलेंगे, और भी कुछ बात बताना है तो डायरेक्ट वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, यही लास्ट फुटेज था। और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, थोड़ा बहुत बारिश भी एक दो बूंद ऊपर से गिर रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गोप्रो को अंदर ही रखते हैं और दिखाने का भी कुछ है नहीं। ये जो वीडियो है आज का, ये अभी मैं एडिट कर रहा हूँ और ये एडिट होके अभी मैं अपलोड कर दूँगा। ये आप लोग को कल मतलब 21 तारीख 21 जून को आप लोग को देखने को मिलेगा यह वीडियो। ये व्लॉग इसलिए क्योंकि जो केदारनाथ वाले व्लॉग्स होंगे वो तो अभी आने वाले नहीं है, क्योंकि मैं जून 29 को यहाँ पे पहुँचूंगा सुबह को। और ये इजी नहीं होने वाला है केदारनाथ ट्रैक, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ट्रैकिंग वैकिंग किया नहीं था। लास्ट किया था मैचुका में गया था, तब किया था, वो 5 महीना हो गया। तो अभी लेकिन कैसे भी करके वो तो जाएंगे, आप लोग को पता ही है जिद्दी आदमी हूँ मैं, ठीक है। फिर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये वाला कॉन्टेंट थोड़ा बहुत मैंने अलग बनाने का कोशिश किया था। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो कॉमेंट एक ज़रूर कीजिए, और वो कमेंट देखने से क्या होता है मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगा तो, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं मतलब जो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन मेरा वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अभी तक मैंने जितना अपलोड किया है मेरे को लगता है कि थोड़ा एक सेम ग्राफ में ही जा रहा है वो, तो अभी मैं उस ग्राफ को थोड़ा उठाने का कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके। और उसमें आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लगेगा, कमेंट वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, अगर उन लोगों को भी अच्छा लगेगा तो वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर वीडियो को एडिट भी करना है, एडिट करके अपलोड करना है, तो बहुत काम बाकी है। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को पता ही है क्या क्या करना है, लाइक कर दीजिए, एक कॉमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और बेल आइकन मत भूलिएगा उसको दबा देने का। तो मिलते हैं केदारनाथ वाले व्लॉग्स में, वो आएंगे 1 वीक बाद में, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए मेरे लिए, है ना। तो बाय बाय, गुड नाइट।